सो गाइज, ये है मेरे घर से छत पर से बाहर का व्यू। चारों तरफ पानी ही पानी आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पर, आप देख सकते हो बादल। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, उधर उधर सिर्फ आपको पानी 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 ही देखने को मिलेगा। तो गाइज, अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं हूँ मेरे किचन में सबके लिए चाय बना रही हूँ। थोड़ी सी चाय इसलिए क्योंकि हम लोग 5-6 ही जन हैं, तो उतने में हो जाएगी सबकी चाय। और आज हम लोग थोड़ा लेट उठे हैं क्योंकि रात में प्रोग्राम था, तो लेट सोए भी थे इसीलिए। चाय के साथ मैंने सबके लिए बनाया हुआ है मुरमुरे, आप लोग क्या बोलते हो इसको बताइएगा ज़रूर। और ये काफ़ी टेस्टी लगता है चाय के साथ, थोड़ा सा क्रंचीनेस, थोड़ा सा खट्टापन, तीखापन होता है इसमें। अगर आप लोग इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइज, अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं जस्ट नहा के आ रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे दी क्या खा रही है, तो मैं खा रही हूँ वही मुरमुरे जो मैंने बनाया हुआ था, सबको मैंने दे दिया था। मैंने मेरे लिए अभी बनाया हुआ है क्योंकि अगर आप इसे तुरंत बना के खाओ तभी अच्छा लगता है। बारिश का सीजन, अगर आप इसे बना के रख दोगे ना तो क्रंचीनेस चली जाती है, फिर मज़ा नहीं आता। तो मैं अभी खा रही हूँ और अभी जस्ट दीप का कॉल आया था कि आज ही, मतलब कल उनकी मीटिंग है तो हम लोगों को आज ही निकलना है। सोच के आए थे कि 3-4 दिन रहना है घर पे आए, तो कल रात में हम लोगों का प्लान बन गया कि हम लोगों ने पूजा नहीं सुना है, चलो पूजा सुन लेते हैं। बट यही है सोचा समझा, जो होता है ना कि पहले से जो हम प्लान करके आते हैं वो होता नहीं, हमारे साथ अक्सर ही होता है, इसीलिए वो प्लान तो मेरा फेल हो गया। बट कोई नहीं, आज जाते हैं, फिर हम लोग आ जाएंगे, 1 को आ जाएंगे, 2 को हम लोग पूजा सुनेंगे। और पापा को भी लगा के जा रहे हैं, उनकी आज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलो मैं आप लोगों से कुछ टाइम बाद मिलती हूँ, फिर बात करती हूँ, सारी डिटेल्स में भी मैं खा लूँ, ठीक है। अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, बट मौसम देखने में ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के अभी 9 बज रहे हों, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। हम लोगों को आज ही निकलना है, हम ज़्यादा दिन के लिए नहीं आए हैं क्योंकि संडे को दीप की मीटिंग है और आज सेट है, तो आज हम लोगों को निकलना है। फ्राइडे को ही हम लोग आए हैं और फ्राइडे को ही हमारे यहाँ प्रोग्राम था। मैंने आप लोगों से बोला था ना कि कल के वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि हमारे यहाँ क्या है, तो पितृपक्ष था, पितृपक्ष चल रहा था ना, तो इसमें बरखी करनी थी मम्मी की, तो मेरी सासू मम्मी की बरखी थी, तो इसीलिए हम लोग आए थे। और कल भी बारिश, आज भी बारिश, 3-4 दिन से लगातार बारिश हुई जा रही है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। कल दीप की मीटिंग है, जाना ज़रूरी है, सो इसलिए अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अभी आधा से 1 घंटा लग जाएगा, अभी 12:30 बज रहा है, देखते हैं कितने बजे निकलते हैं। चलो थोड़ा सा बारिश में भीग जाते हैं। बारिश देखो, मज़ा आ रहा है, देख रहे हो आप लोग, बारिश हो रही है। और कैमरे की टेंशन मत लीजिए, जो सैमसंग का कैमरा है ना ये वाटरप्रूफ है, तो इसलिए मैं आ गई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, भीग भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये देख रहे हो, वाव, कई दिनों बाद इतना एंजॉयमेंट, मतलब बारिश का जो मज़ा है ना वो गांव में ही होता है, अपना जब खुद का घर हो तब। सो चल रहे हैं अभी लंच करने, इसके बाद रेडी होंगे, आप लोगों के साथ ही शेयर कर देंगे कि क्या कैसे कर रहे हैं। पापा भी चल रहे हैं मेरे साथ, जो मेरे ससुर जी हैं, और मेरी बिटिया रानी भी चल रही है नेहा। चलो कुछ टाइम बाद आप लोगों से मिलती है, तब तक के लिए बाय। सो गाइस, चलो फटाक से रेडी हो जाते हैं, मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, लेकिन हाँ सिंपल सा मेकअप मुझे करना है क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुझे मेकअप करना पसंद है, इसलिए थोड़ा सा मेकअप कर ले रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज़ किया कामा आयुर्वेदा का रोज वाटर, अब मैं यूज़ कर रही हूँ निविया का बेरी ब्लॉसम मॉइस्चराइजर, मैं लिप बाम बोल रही थी, थोड़ा सा लेके लगा लेना है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। मैं मेरा बाऊ का सनस्क्रीन रख के पता नहीं कहाँ भूल गई, उस दिन मैंने रिव्यू किया था ना, इसके बाद मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया और जल्दी जल्दी के चक्कर में मुझे मिला भी नहीं, ले आ नहीं पाई मैं उससे, इसलिए मैं मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। नहीं तो उस सनस्क्रीन में सिरम भी है तो मुझे मॉइस्चराइजर लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
अब मैं यूज कर रही हूँ बायोटिक का सनस्क्रीन। इसे लगाने के बाद आपका फेस काफी अच्छी तरीके से ग्लोई हो जाता है। मुझे मेरा वाव वाला नहीं मिला जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसलिए मुझे इतना बड़ा ट्यूब कैरी करना पड़ा, नहीं तो वाव वाला काफी छोटा सा है, ट्रेवल फ्रेंडली है, बट मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया। मेरी याददाश्त थोड़ी सी वीक हो जा रही है, कमजोर हो जा रही है। सो इसको मैं लगा ले रही हूँ, आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हो, मेरे फेस पे एक प्यारा सा ग्लो आ गया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। मैं जब भी गांव में आती हूँ पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि गांव में गर्मी ज़्यादा होती है और अगर गर्मी ज़्यादा रहेगी तो पसीने की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी अगर आप पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर नहीं यूज़ करेंगे। अगर पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर यूज़ कर लेंगे तो आपके जो पोर है उनमें मिनिमाइज हो जाएंगे और आपको पसीने की प्रॉब्लम कम होगी। मेरी नोज रिंग मेरे फेस पर सूट नहीं कर रही, आई नो ये त्रिकोण शेप वाला जो आता है ना वही है, ये दीप की पसंद का है इसलिए मैंने पहना हुआ है। कोई नहीं, मैं घर चल के निकाल दूंगी इसे, बिकॉज मेरे फेस पर काफ़ी बड़ा लग रहा है। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँ फेसेस का सेकेंड स्किन फाउंडेशन, काफ़ी लाइट वेट फाउंडेशन है। अगर आप मेकअप लवर हैं, डेली के लिए फाउंडेशन कोई तलाश कर रहे हैं तो आप इसे ले सकते हो, एकदम नेचुरल लुक देता है गाइस। सो इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा मैं लगा के एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। मैं यहाँ पर आज कोई कम्पैक्ट वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी लाइट मेकअप कर रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करूँ यहाँ पर डायरो ऑफ लंडन का 2000 किसेस लिक्विड लिपस्टिक और एक काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है गाइज। अगर आप इसे सुबह लगा लेते हैं तो रात तक आपके लिप पे रहती है, चाहे आप जितना भी ऑयली खाएं पिएं, और आपके लिप को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती है। तो मैं यहाँ पर इसकी दो कोट लगाऊंगी क्योंकि फर्स्ट कोट पे आपको उतना पिगमेंटेड मतलब नहीं कलर नहीं मिलता है जितना आप चाहते हो, और ये काफ़ी प्यारा मूविश पिंक शेड है आप देख सकते हो। तो मैं इसकी सेकेंड लेयर लगाऊंगी तो काफ़ी प्यारा डार्क शेड बन जाएगा, और आप खुद ही देख लीजिएगा कि मैं इसे यहाँ से लगा के चलूँगी और रात तक मेरे लिप पे रहेगी, जबकि मैं इसे लगा के खाना वाना खाती हूँ। इसके बाद घर पे पहुँचते पहुँचते भी ये मेरे लिप पे रहती है, कहीं से भी नहीं निकलती है। तो हाईली रिकमेंडेड लिपस्टिक है, अगर आप लोग लेना चाहें तो मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है इन सारे प्रोडक्ट्स की, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो। सो चलो मैं आप लोगों से कुछ देर बाद मिलती हूँ। तो गाइस अभी दोपहर की बज रहे हैं 1:30 और मैं आई हूँ मेरी बगिया में। आप लोग बोल रहे थे ना दी अपनी बगिया दिखाना, तो बारिश के सीज़न में आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हरियाली यहाँ पर हो गई है। सब लोग सो गए थे, हम लोगों को निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हमने कहा चलो जब सब सो गए हैं तो हम चलते हैं बगिया में, आप लोगों को दिखा देते, काफ़ी टाइम से आप लोग बोल रहे थे। सो अभी बगिया उतनी अच्छी नहीं रह गई जितनी अच्छी पहले थी, काफ़ी सारे के यहाँ के जो पेड़ थे ना वो कट हो गए हैं, तो इसलिए उतनी ज़्यादा घनी नहीं। तो देखा ना आप लोगों ने कितना अच्छा लग रहा है, वैसे पानी भी लगा हुआ है तो कुछ नहीं, पहले तो मैं यहीं रहती थी, अभी आई हूँ ना तो ऐसा लग रहा है यार यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी है, पहले नहीं होता था बट ऐसा नहीं है, कुछ दिन बाद आई हूँ शायद इसलिए लग रहा है, पहले भी इतना ही ज़्यादा पानी वानी होता था, बारिश के सीज़न में यही हाल होता था। और चलते हम ज़्यादा दिन नहीं रुक पाए, वैसे तो आए थे 3-4 दिन रुकने के लिए, बट सडनली दीप की मीटिंग आ गई तो जाना पड़ रहा है हम लोगों को, पापा को और नेहा को लिवा के जा रहे हैं। अभी हम 5-6 दिन बाद आएंगे, हमें पूजा सुनना है, तो फिर आके पूजा सुनेंगे, घर का गृह प्रवेश कराना है, वो सब कुछ हो जाएगा 5-6 दिन बाद, मतलब नवरात्रि बाद तब हम आएँगे। सो चलो अभी हम आपसे कुछ देर बाद मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए बाय। तो गाइज मैं मेरे घर से निकल चुकी हूँ, जो पीछे गांव देख रहे हो ये मेरा ही गांव है। घर से बाहर निकलते ही काफ़ी प्यारी हरियाली दिखती है, खेत धान के खेत हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। मैंने सोचा चलो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और जब भी कभी मैं देखूँगी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आप लोगों को मेरे वीडियोज़ में, गाँव के वीडियोज़ में यही चीज़ें पसंद आती हैं कि मैं हरियाली आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग रिक्वेस्ट भी करते हो कि दी हरियाली दिखाइएगा, तो मैं वही दिखाती हूँ। सो चलो अब मैं घर चल के आप लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, तब तक के लिए बाय।
गाइज अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, मैं जस्ट आई हूँ और चल रही हूँ ड्रेस निकालने, साड़ी निकालने, चल रही सूट पहन लूंगी। हम लोगों को 1 तारीख को जाना है, कल दीप की मीटिंग आ गई थी इसलिए हम लोगों को आना पड़ा, नहीं तो हम आते नहीं। हम गए थे प्लान बना के कि 5-6 दिन रहना है तो आना पड़ गया, कल उनकी मीटिंग है तो उनको जाना है इसलिए हम लोग आ गए। और पापा को भी लिवा आए हैं, थोड़ा सा पापा को दिखाना था, उनकी आईज में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ। और नेहा को भी लिवा के चले आए, हम कहे चलेगी थोड़ा सा घूम लेगी, अभी उसकी भी छुट्टियाँ चल रही हैं तो इसलिए। और कल मैं बताऊंगी और कौन कौन आया है। सो आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। चल रही हूँ मैं अभी किचन में, कुछ बनाना है, सब लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, भूख भी लगी है सबको, तो चल रहे हैं कुछ बनाने, नाश्ता बनाते हैं, इसके बाद खाना बनाएंगे। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐड कर दूंगी कि मैंने क्या क्या बनाया और कौन कौन मेरे साथ आया, मैं आप लोगों को और दिखाऊंगी। सो आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून।